आईडियो क्यों नहीं भाई आ गया, इतने कम लोग हैं आईडियो क्या करेंगे यार। आज इस प्रेस ब्रीफिंग में सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय की चर्चा आज मीडिया के मित्रों के सामने करना चाहता हूं। कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, भगवान श्री राम के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ इनका मूल चरित्र इस मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का उजागर हुआ है। प्रभु श्री राम मंदिर के जो इस भारत नहीं दुनिया के आस्था का केंद्र है, उसके होल्डिंग लगे हैं तो इस पर कांग्रेस चुनाव आयोग में जाकर के आपत्ति व्यक्त कर रही है कि राम मंदिर के होर्डिंग लगे, इन होर्डिंग को हटाया जाए। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से राम मंदिर पर आक्रमण करने का प्रयास किया है। इनके मन के अंदर पीड़ा क्यों है कांग्रेस के कि राम मंदिर के होर्डिंग क्यों लगे हैं? ये मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता, जिनके श्रद्धा और आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर है, अरे आप भी लगाइए, आपको किसने मना किया है? आपके नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर तो सबका है। हाँ बिल्कुल सबका है, तो आपको राम मंदिर के होर्डिंग लगाने में श्रीमान करप्शन नाथ बंटाढार जी, आपको दर्द क्यों है, पीड़ा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस को पीड़ा है राम मंदिर के निर्माण से, कांग्रेस को पीड़ा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति, जिनके कारण से आज प्रधानमंत्री की कुशल रणनीति के साथ पूरे भारत के 140 करोड़ जनता ने राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का भगवान रामलला विराजमान होंगे। इसका दर्द, इसकी पीड़ा कांग्रेस के उन तुष्टीकरणवादी नेताओं को है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद शहीदी हुई। देखिए जरा भाषा, जब सर्वोच्च न्यायालय भारत का ये कह चुका कि राम मंदिर के प्रमाण से लेकर के राम मंदिर है, और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मीडिया विभाग के कहते हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी, शहीदी यानी, मैं पूछना चाहता हूं सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन रहे थे, अब उनकी असल बाबर भक्ति सामने इस मध्य प्रदेश के अंदर आई है, ये इनकी भाषा, इनकी बाबर भक्ति है। यह सब सोनिया के इशारे पर आज देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। यह चरित्र कांग्रेस का, मुंह में राम बगल में बका है, क्योंकि इन्हें तो बाबर और वही दिखाई देता है। कांग्रेस को असल दिक्कत प्रभु राम श्री राम के और सनातन धर्म से इस देश के अंदर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का इतिहास बनेगा, इससे कांग्रेस को पीड़ा है, क्योंकि कांग्रेस इस देश के अंदर गारंटी है तो केवल और केवल तुष्टीकरण की गारंटी है, फूट डाल करके राज करने की गारंटी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार और परिवारवाद की गारंटी है। तो एक परिवार के प्रति जिनके पेट में हमेशा हिंदुत्व को लेकर, जिनके पेट में हमेशा राम को लेकर, जिनके पेट में हमेशा सनातन को लेकर के दर्द होता आया है, उस परिवार के प्रति सोनिया भक्ति दिखाने का काम जो मध्य प्रदेश के कांग्रेसी मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह और श्रीमान करप्शन नाथ कमलनाथ, उनके जो सिपह सालार करने का प्रयास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता इस बात का जवाब इस चुनाव में देगी।
चुनाव आएंगे और जाएंगे, राजनीति होती रहेगी, पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ ये देश जो खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस ने किया है, करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा और आस्था पर जो प्रहार कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है, ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। प्रियंका गांधी जी जरा जवाब दीजिए, आज मध्य प्रदेश के अंदर आप आ रही हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसके बारे में आपका क्या जवाब है, आपके और आपके नेतृत्व के पेट में दर्द क्यों है? राम मंदिर के भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी, तो कांग्रेस और आपके पेट में दर्द क्यों है? क्यों राम मंदिर के होर्डिंग लगाने पर आपको कष्ट है, ये मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने प्रत्येक बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात का जो हमारा कार्यक्रम है, कल रविवार को 64,523 बूथों पर चुनाव सुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर यह व्यवस्था की है और हर बूथ पर प्रधानमंत्री जी के मन की बात, मोदी जी के मन की बात को प्रत्येक बूथ पर बूथ समिति, पन्ना प्रमुख और बूथ पर रहने वाले सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि घर घर संपर्क तो करेंगे ही, लेकिन एक बात मैं आज कहना चाहता हूं कि 64,523 बूथों पर जो 41 लाख कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में जो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं, तो मोदी जी ने एक स्नेहिल पत्र चिट्ठी आई है, उस चिट्ठी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की स्नेहिल पत्र को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कल 64,523 बूथों पर जो 41 लाख कार्यकर्ता ऑन रिकॉर्ड और बाकी हमारे कार्यकर्ता जो करोड़ों करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सामान्य सदस्य लेकर के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से लेकर के सभी हमारे वरिष्ठ नेता कल उस पत्र को प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनकर के घर घर में प्रधानमंत्री जी के उस स्नेहिल पत्र को जनता के नाम जो लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसे ले जा करके जनता के बीच घर घर में उन्हें देने का काम और अनुरोध करने का काम भाजपा का एक एक कार्यकर्ता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।